लोगों को दुआएं देने वाले किन्नर अब गद्दी के लिए आमने सामने हो गए हैं। मामला झालावाड़ के झालरापाटन थाने का है, जहां आधा दर्जन किन्नर पुलिस स्टेशन में अपनी फरियाद लेकर आए कि पुलिस उनकी मदद करे और दूसरे किन्नरों से पीछा छुड़वाया जाए। दरअसल 95 साल के किन्नर हाजी रफीक आपा का इंतकाल 1 सप्ताह पहले हो गया था। मरने से पहले रफीक आपा ने हलीमा उर्फ मंजू बाई को गद्दी पर बिठा दिया और पिछले कई सालों से उनका कार्य हलीमा ही देख रही थी। रफीक आपा की मौत होने के बाद से दूसरे किन्नर यहां पहुंच गए और गद्दी हथियाने में लग गए। दुआओं से मामला धमकियों पर पहुंच गया। दूसरे गुट के किन्नर हलीमा को झालावाड़ झालरापाटन से चले जाने तक की धमकी तक दे रहे हैं। मामले को हलीमा कोटा में गुरु ताराबाई के पास लेकर गई, जहां से आधा दर्जन किन्नर झालरापाटन आए और पुलिस को रिपोर्ट दी है कि झालरापाटन में किन्नर हलीमा ही वारिस है, जो धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अम्मा जी खत्म हुई थी, जब भी आए थे तो अम्मा जी जीते जी इनको मालिक बना गई। झालावाड़ जिले की जितने भी एरिए तो ये हलीमा भाई को मालिक बना के गई और हमारा पंच ने भी इनको मालिक बना दिया और हम लोग भी इनको मालिक बना चुके। बाकी जो कोटा से 4-5 किन्नर है हमारे से दुश्मन है, वो हमारे तो इनको ना परेशान कर रहे फ़ोन करके कि तेरे को झालावाड़ पाटन में मांगेंगे, तुझे रहने नहीं देंगे, तुझे निकाल देंगे, ऐसे करके इनको परेशान कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? हलीमा किन्नर है, जिसको कि यहाँ पाटन में एक रफीक हाजी करके किन्नर थे, जिनकी मृत्यु हो गई तो वसीयत के रूप में इसको गद्दी दी गई है। उस गद्दी पर बैठने को लेकर इनके आपस में विवाद है। इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसकी जांच की।